हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ थर्मोकोल आइस बॉक्स इज अ चीप एंड इफिशिएंट मेथड फॉर स्टोरिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कुक्ड फूड इन समर इन पार्टिकुलर, है ना। पार्टिकुलर ये बोल रहा है कि वो जो बॉक्स होता है ना, आप सबने देखा होगा थर्मोकोल का एक बॉक्स बना रहता है, क्यूबिकल टाइप का बॉक्स रहता है वो, उसके अंदर हम लोग आइस वगैरह भी रखते हैं गर्मी के दिन में, और ऐसे खाना वाना भी रख लेते हैं हम लोग उसमें। वो इसलिए क्योंकि थर्मोकोल काफी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर हीट का फ्लो काफी इजिली नहीं हो पाता, तो हम लोग एक फिक्स टेम्परेचर में अंदर रख पाते हैं। वही बोल भी रहा है, क्यूबिकल आइस बॉक्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर हैज अ थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर। बोला ऐसा ही क्यूबिकल साइड बॉक्स है, आइस बॉक्स है हमारा, आइस रखने के लिए यूज किया जा रहा है। 30 सेंटीमीटर इसका साइड लेंथ है हमारा, और इस साइड लेंथ के साथ इसके एक एक साइड का जो थिकनेस है वो क्या है, तो 30 सेंटीमीटर ये हो गया, ये भी 30 सेंटीमीटर हो गया, एक एक का थिकनेस कितने का दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर थिक थर्मोकोल का यूज किया गया है इस ट्यूब को बनाने के लिए, जिसका साइड लेंथ है 30 सेंटीमीटर। बोला इसमें इफ 4 केजी ऑफ आइस इज पुट इन द बॉक्स एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर 6 आवर। बोला है कि इनिशियल अमाउंट कितना है इसका, इनिशियल अमाउंट कितना है आइस का भाई, तो इनिशियल अमाउंट है 4 केजी। बोल रहा है आफ्टर 6 आवर, आफ्टर 6 आवर कितना अमाउंट ऑफ आइस बचेगा ये बताना है। आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, तो आउटसाइड टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। इनसाइड टेम्परेचर कितना होगा, तो ऑब्वियसली जब आइस है कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, तो 0 डिग्री सेल्सियस ही मान के चलेंगे हम लोग। इनसाइड 0 डिग्री सेल्सियस, आउटसाइड 45 डिग्री सेल्सियस, बीच में हमारे साथ सामने क्या रहेंगे, बीच में ये जो 6 फेसेज हैं हमारे लिए आइस के, आइस और सराउंडिंग्स के बीच में क्यूब जो कि थर्मोकोल से बना हुआ है, इसके 6 फेसेज हैं जो आइस को कवर किए हुए हैं। बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस, अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ थर्मोकोल दे रखा है, के का वैल्यू जिसे आप के बोलिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी आपको दे रखा है 335 × 10³ जूल पर केजी आइस के लिए, तो सारी चीजें। तो एक बार हम एक काम करते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं जिससे कि हीट फ्लो होगा। हीट फ्लो होगा किधर से, किधर, बाहर से अंदर फ्लो होगा, और बाहर से जब अंदर फ्लो होगा तो जितना हीट फ्लो होगा 6 आवर में उतना अमाउंट ऑफ आपको उसी के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ आइस जो होंगे मेल्ट होंगे, और जो बाकी बचे आइस हैं उनका 6 आवर के बाद हमें अमाउंट बता देना है। तो टोटल एरिया कितना हम काउंट करेंगे, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया जो कैलकुलेट करेंगे वो 6 फेसेज होगा, एक एक फेस का एरिया है 0.3 सेंटीमीटर है, तो 0.3 का स्क्वायर, तो हमारे सामने जो हमारे लिए टोटल एरिया हो जाएंगे वो एरिया हो जाएंगे कितने, 0.54 मीटर स्क्वायर का टोटल एरिया। थिकनेस हमारे लिए कितना हो गया, इस एरिया को कितने लंबाई के साथ पार करेगा हीट, तो ये थिकनेस है हमारे लिए, और वो थिकनेस है हमारे लिए थिकनेस, इसको रख दीजिए थिकनेस, यानी लंबाई आपको हो जाएगी क्या भाई, तो 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 मीटर हो जाएगा लंबाई, सेंटीमीटर में 5 था। अब क्या निकालिए, 6 आवर में टोटल हीट फ्लो कितना होगा, तो आप लिखिए टोटल हीट फ्लो इन 6 आवर बराबर इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस, या हीट यूज्ड फॉर मेल्टिंग द आइस, हीट यूज्ड फॉर आइस मेल्टिंग, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, हीट यूज्ड फॉर आइस मेल्टिंग, आइस को मेल्ट होने के लिए जो हीट चाहिए, जितना हीट यूज होगा वही आपको हीट 6 आवर में फ्लो होगा। अब हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, वही हमारा की कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पर, हीट फ्लो का फॉर्मूला, तो आप जानते हैं हीट फ्लो का फॉर्मूला, डेल्टा टी के टाइम्स ए अपॉन एल इनटू हमारा जो है टाइम, कितना टाइम लगा, ये तो हीट करंट है हमारा, डेल्टा टी के टाइम्स ए अपॉन एल, हीट करंट इनटू टाइम बराबर हीट फ्लो, और बराबर हीट यूज्ड। हम मान लेते हैं कि एम नॉट अमाउंट ऑफ वाटर है जो हमारा मेल्ट हुआ है, एम नॉट अमाउंट ऑफ आइस है जो वाटर में कन्वर्ट हुआ है, और लेटेंट हीट कितना दे रखा है, एल एफ हमारा लेटेंट हीट दे रखा है, तो एम नॉट इनटू लेटेंट हीट रख दीजिए 335 इनटू
10 टू द पावर 3, इधर आप डाल दीजिए डेल्टा टी, कितना का टेम्परेचर डिफरेंस आपका, ये तो हो गया आइस का काम। अब रही बात अंदर से बाहर कितना हीट गया, मतलब बाहर से अंदर कितना हीट गया है, तो 45 डिग्री से 0 डिग्री पर, तो टेम्परेचर डिफरेंस 45 इंटू के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू 0.01, सब आपको ऐसा यूनिट में दे रखा है। एरिया कितना है भाई, तो एरिया है हमारे लिए कितना, एरिया हमने निकाला था अभी 0.54, तो एरिया 0.54 है। टाइम कितना लिया गया है, 6 आवर है, तो 6 आवर को आप सेकंड में कन्वर्ट कर देना, 3600 सेकंड, 6 आवर का टाइम हो गया। ये हमारा 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, 0.01 का k हो गया, एरिया हमारा 0.05 हो गया, और टाइम हमने मेंशन कर दिया। लेंथ कितना, लेंथ क्रॉस करके हीट अंदर जाएगा, तो लेंथ क्रॉस करेगा वही जो थिकनेस होगा। इधर हमारे पास m0 into LF 335 है, तो यहां से हमारे सामने जो है, यहां से हमारे सामने आउटपुट वैल्यू आ जाएगा। m0 का वैल्यू क्या आएगा आपके लिए, m0 का वैल्यू जो आएगा हमारे लिए वो रहेगा 0.3, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, तो 0.313 kg m0 का वैल्यू आ जाएगा। अब पूछेगा आपसे अमाउंट ऑफ आइस लेफ्ट कितना होगा, कितना अमाउंट बचेगा आइस का भाई, तो आप खुद बताओ अमाउंट ऑफ आइस लेफ्ट कितना होगा। कितना अमाउंट था शुरुआत में, 4 kg, कितना मेल्ट हो गया, 0.313 kg, तो लेफ्ट अमाउंट ऑफ आइस, आइस लेफ्ट, आइस लेफ्ट, कितना आइस लेफ्ट होगा भाई, तो 4 - 0.313, इसको आप घटा करके लिख दीजिए 3.687 kg। दिस इज योर फाइनल आंसर, विच इज व्हाट, विच इज आइस अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 6 आवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।